हेलो फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय सिंह चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब परिवार पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर वापस से मैं बात करने वाला हूं ICP टोकन को लेकर। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं इस वीडियो के अंदर ICP टोकन को लेकर एक शॉर्ट अपडेट आपको देने वाला हूं। तो यदि आपने ICP टोकन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और यदि आप ICP टोकन के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा कि टेक्निकल एनालिसिस कितना मजबूत पार्ट होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस यदि आपको आता है तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और ये जितने भी यूट्यूबर्स आपको ये कहते हैं कि करोड़ों कमाइए, लाखों कमाइए, 10 गुना 20 गुना, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यही है कि यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप क्रिप्टो मार्केट से बेशक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी रेजिस्टेंस और जितने भी सपोर्ट लेवल किसी भी टोकन के अंदर लेकर बताता हूं, वो रेजिस्टेंस और वो सपोर्ट लेवल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और इस बात का जवाब शायद आप भी खुद दे सकते हैं यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं। वैसे मेरे बहुत सारे प्रिय भाई इस बात को जानते हैं कि यहां पर जो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस व सपोर्ट बताता हूं वो बहुत ही बड़ी मेहनत के बाद मैं आप सभी को बताता हूं। और देखिए, मैं कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं और उस मेहनत के बाद मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस व कुछ सपोर्ट लेवल बताता हूं। और जब किसी भी टोकन की प्राइस उन रेजिस्टेंस और उन सपोर्ट लेवल के आसपास देखने को मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अपन धीरे धीरे बुल रन की ओर बढ़ रहे हैं और इस बुल रन के अंदर वही व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है जिसका टेक्निकल एनालिसिस मजबूत होगा या जिसे रेजिस्टेंस व सपोर्ट लेवल का बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मैं आप सभी के लिए लगातार इसी तरीके से मेहनत करता रहूंगा और इसी तरीके से आप सभी के लिए बेस्ट रेजिस्टेंस और बेस्ट सपोर्ट लेवल बताते चलूंगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बात बता दूं कि कल जब मैंने ये ICP टोकन की वीडियो बनाई थी तब उस टाइम पर USDT के अंदर जो प्राइस चल रही थी वो लगभग 66 के आसपास चल रही थी। और डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यदि ICP टोकन इन रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देता है तो ICP टोकन की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, और यही हुआ। ICP टोकन की प्राइस इस लेवल से अपने को लगभग $76 के आसपास देखने को मिली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक काम करिए, जो आपको प्रॉफिट ICP टोकन के अंदर हो रहा है उस प्रॉफिट को आप जल्दी से बुक कर लीजिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आप प्रॉफिट को जल्दी से बुक कर लीजिए, क्योंकि यदि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलता है तो ICP के टोकन की प्राइस अपने को जिस लेवल के आसपास अभी चल रही है, यहां पर देखिए आप $73 के आसपास चल रही है, तो उस लेवल से भी नीचे देखने को मिल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आप यही करिए। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद मैं आप सभी को ये बातें बता रहा हूं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी ICP टोकन को लेकर, यदि आप प्रूफ के तौर पे देखना चाहते हो तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उस वीडियो को लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, मैं आपको वही लेवल्स बता रहा हूं वापस से जो लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे, लेकिन यहां पर मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर जब प्राइस गई तो देखिए इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस था जिसके चलते प्राइस थोड़ा नीचे आई, फिर प्राइस धीरे धीरे इस लेवल से वापस बढ़ने लगी। देखिए, इस लेवल को जैसे ही प्राइस ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया तो प्राइस अपने को लेवल इस लेवल तक देखने को मिली, लगभग कौन सा लेवल है, $65 के आसपास। अब इस लेवल के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जिसके चलते प्राइस नीचे देखने को मिली और इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिला। यहां पर सपोर्ट क्यों मिला है यह बात मैंने आपको कल की वीडियो में बता दी है। अब देखिए, इस सपोर्ट को पाकर धीरे धीरे प्राइस बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंची और लगभग पहले इस लेवल तक पहुंची, कौन सा लेवल, इस लेवल तक। लेवल कौन सा है मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो $68 के आसपास का लेवल है इस लेवल तक प्राइस देखने को मिली। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या, इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस था जिसके चलते इसकी प्राइस नीचे देखने को मिली और प्राइस इस लेवल तक नीचे देखने को मिली, फिर प्राइस के अंदर एक बहुत बढ़िया पंप हुआ और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट किया। देखिए, मैंने आपको कल ही बता दिया था
कि इस रेजिस्टेंस एरिया को आईसीपी टोकन ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो आपको आईसीपी टोकन की प्राइस सीधा $72 तक देखने को मिल सकती है इस लेवल तक। आप जहां पे देख रहे हैं देखिए ये लेवल, और ये लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल। और हुआ ऐसा कुछ कि प्राइस इस लेवल से भी अपने को बहुत ऊपर देखने को मिली और प्राइस लगभग $76 तक देखने को मिली इस लेवल तक, देखिएगा इस लेवल तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। वैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लेकर आना चाहता हूं, लेकिन टाइम का अभाव होने की वजह से मैं ये कोर्स आपके लिए जल्दी नहीं लेके आ पा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आप सभी के लिए डेली रूटीन के हिसाब से लेकर आऊंगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, प्राइस हमें इस लेवल से नीचे देखने को मिली। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर प्राइस इस लेवल से वापस नीचे क्यों देखने को मिला है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स पहला रीजन बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन, यहां पर भी इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, जो कभी कभी वो छोटे छोटे रेजिस्टेंस एक अच्छे रेजिस्टेंस के रूप में काम कर जाते हैं। लेकिन अभी भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहां पर जो प्राइस नीचे आ रही है उसको सपोर्ट कहां पे मिल सकता है वो बात मैं आपको बता देता हूं पहले। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस था, ये देखिएगा ये रेजिस्टेंस कौन सा लेवल, $72 के आसपास। तो यहां पर एक सपोर्ट बना सकती है, देखिए यहां पर एक सपोर्ट बनाया भी है इसने, प्राइस लगभग इस लेवल तक आई है और प्राइस धीरे धीरे वापस से इस लेवल से बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची है। आप सभी को पता है देखिए इस लेवल तक पहुंची है। तो अब डियर फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए ये लेवल यहां पर सपोर्ट का काम नहीं कर पाता है तो प्राइस आपको इससे थोड़ा और नीचे देखने को मिल सकती है और लगभग प्राइस आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकती है। कौन सा लेवल है, $68 के आसपास, इस लेवल के आसपास देखने को मिल सकती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है बहुत बड़े रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा आईसीपी टोकन के लिए। यदि इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो यदि अगर इसके ऊपर स्टेबल होता है तो फिर यही एरिया एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में भी काम करने लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको सपोर्ट का पता चल चुका होगा कि कौन से लेवल पर सपोर्ट मिल सकता है। अब यदि मान लीजिए बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है तो प्राइस अपन को इस लेवल से इस लेवल तक भी देखने को मिल सकती है और इस लेवल से वापिस से प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। अभी देखिए डियर फ्रेंड्स, अभी क्या क्या हो सकता है, जिस तरीके से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है, जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर आईसीपी टोकन की प्राइस अपन को इस लेवल तक देखने को मिल सकती है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि यदि आईसीपी टोकन इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है और उसके बाद में यहां पर कहीं स्टेबिलिटी बनाता है अपनी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइस आपको इस एरिया के बाद में बहुत ऊपर देखने को मिल सकती है। और वो कौन सा लेवल है वो मैंने आपको कल भी बताया था और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो लेवल आप देख रहे हैं $104 के आसपास। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आईसीपी टोकन के अंदर एक बहुत ऊपर लेवल पर एंट्री ले रखी है जिसके चलते उन्हें बहुत बड़ा लॉस है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आईसीपी टोकन की प्राइस आपको बहुत जल्दी ऊपर देखने को जरूर मिलेगी। अब देखिए बहुत सारे लोग एंट्री लेना चाहते हैं, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस टोकन के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप अभी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आईसीपी टोकन की जो प्राइस है वो लगभग $700 तक गई हुई है। और देख लीजिए आप खुद कि $700 से प्राइस अभी कौन से लेवल तक है, तो इसकी प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप इस बुल रन के अंदर देखने को मिल सकता है। आप अभी खुद देख लीजिए, यहां पर एक रेड कैंडल बन रही थी लेकिन अभी की अभी यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसकी प्राइस लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने सारी बातें बता दी है। देखिए एंट्री को लेकर मैंने आपको बात बता दी है कि आपको एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लेना है। और देखिए यदि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलता है तो इसकी प्राइस थोड़ा नीचे देखने को मिल सकती है, तो उस स्थिति के अंदर आपको टेंशन नहीं लेना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने सारी बातें बता दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और उसी के साथ तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।